हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। जैसा कि आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम किसान सम्मान निधि जो किसानों के लिए निकाली है, इसमें किसानों को 6,000 रुपये मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में 4,000 और सीएम किसान सम्मान निधि से मिलने लगा है। सीएम किसान कल्याण योजना से टोटल 10,000 मिल रहे हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है आपका 4 महीने में 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि का, पीएम किसान सम्मान निधि का, तो ये आपके अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कैसे पता करेंगे? और कितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिल चुकी है, कितनी मिलने की बाकी है, ये सारा स्टेटस आप कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि का। तो इस स्कीम में सभी किसानों को 6,000 रुपये मिलता है सालाना, जिसमें से 2,000 की किस्त 3 भागों में बांट दी गई है, हर 4 महीने में एक किस्त। तो अगली किस्त जल्द ही आने वाली है, जो आपके अकाउंट में, यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट लिंक हो गया होगा तो आएगी। साथ ही इसमें एक चीज़ और है, इसके लिए आपका जो बैंक खाता है उसका आधार से लिंक होना आवश्यक है। साथ ही आपका जो आधार में नाम है वही नाम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। साथ ही ज़मीन में भी वही नाम हो, दूसरा नाम ना हो, जैसे किसी किसी के 2 नाम रहते हैं, तभी आपको ये राशि प्राप्त होगी। नहीं तो आप बार बार अप्लाई भी करेंगे तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट होते जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले ये सब चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से आप घर बैठे अपने किसान सम्मान निधि के पैसे जो बैंक में आए नहीं आए उसका स्टेटस चेक करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा पीएम किसान। तो आप पीएम किसान सम्मान निधि ये भी टाइप कर सकते हैं। इसे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये देखिए, आपको पीएम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी स्टेटस ये लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज, इस लिंक पर वेबसाइट की, तो आपके सामने वेबसाइट का पेज आएगा, स्टेटस स्टेटस की लिंक आएगी आपका, जो वो पेज आएगा ये वाला। इस पर आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, आप मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और आधार, 3 चीज़ों से चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हम चाहेंगे कि आधार है, तो आधार हम यहां जैसे ही डालेंगे आपका आधार का स्टेटस दिखा देगा। ये देखिए, ये हमने आधार नंबर टाइप किया किसान का। अब यहां पे हम स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहां पे देखेंगे, ये देखिए नीचे स्टेटस आ गया है। यहाँ देखिए पूरा इंस्टॉलमेंट दिखा रही है, कब कब किस किस तारीख को बैंक में क्रेडिट हुआ है, ये बैंक अकाउंट में, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाता है। ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट, थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट, फोर्थ, फिफ्थ। अभी देखिए 5 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, 6th भी बाकी है अभी, तो 6th इंस्टॉलमेंट यहाँ डलने वाली है, इसका स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर। इस तरह से आप भी अपने अकाउंट का स्टेटस देख सकते हैं कि आपको कितनी इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, कितनी आपकी बची है, आने वाली है, वो दिखाएगा आपको। जैसे हमारे यहाँ 6th भी दिखा रही है इस किसान के स्टेटस में। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे पूरा आपको क्रेडिट रेट दिखाएगा आपका, कब क्रेडिट हुआ अकाउंट में, आपका यूटीआर नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा देगी। ये देखिए जिस जिस मंथ में क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में वो दिखा रहा है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट किस तारीख को आई है, और बाकायदा आप पासबुक में एंट्री में जाकर उस डेट में चेक कर लें, आपको ये क्रेडिट का स्टेटमेंट मिल जाएगा। मैं उम्मीद है आपको हमारी बताई हुई जानकारी सही और अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ताकि हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो आपको रेगुलर मिलती रहे। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।